नमस्कार साथियों, मैं अतुल कुमार दीक्षित और आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, आज हम सुनेंगे विचार अनिल प्रकाश जोशी के द्वारा एक विशेष रिपोर्ट। इस वर्ष विज्ञान दिवस की थीम विज्ञान और महिलाओं पर केंद्रित है। सच तो यह है कि दुनिया की आधी आबादी आज भी नए विज्ञान से वंचित है। हमने इस हिस्से के लिए न कभी गंभीरता से सोचा और न ही उन्हें उचित भागीदारी दी। और क्षेत्रों की तरह विज्ञान में भी इनका प्रतिनिधित्व पुरुषों की तुलना में बहुत कम है। इनकी भूमिका वैसे भी महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि यह एक ऐसा विषय है जिसमें हम विज्ञान व उसके फल को समानता की तरफ ले जा सकते हैं। महिलाओं में धैर्य, सहनशीलता व संवेदनशीलता जैसे गुण हैं जो हमेशा एक ऐसे विज्ञान के प्रति झुकाव रखने में पक्ष में रही हैं जिससे निरंतरता जुड़ी हो। और इसका सीधा कारण भी है कि महिलाओं को प्रकृति ने जिस तरह के चरित्र और गुणों से प्रदत्त किया है, वे एक ऐसे समाज और विज्ञान की कल्पना कर सकती है जिससे जीवन बेहतर हो और विज्ञान के लाभ बड़े स्तर पर पहुँचाए जा सके। आज विज्ञान शायद पुरुष प्रधान ज़्यादा है और यही कारण है कि पिछले 200 वर्षों में छोटे स्तर के प्रयोग हो या बड़े चमत्कार जो देश दुनिया में हुए, उन सब में पुरुष प्रधानता ही झलकती है, ना गिने तो। मसलन, अगर किसी महिला को विज्ञान की प्राथमिकता तय करने को कहा जाए तो वह परमाणु बम या युद्ध पोत या बड़े हथियारों के पक्ष में नहीं जाएगी। तो यह पुरुषवादी प्रवृत्ति ही है जो अपनी प्रधानता बनाने के लिए हथियारों की होड़ का हिस्सा बनता है और जिसका आधार विज्ञान व तकनीक बनी। हमने विज्ञान के उत्पादों को अपनी बड़ी उपलब्धियों के साथ जोड़ने की कोशिश की और उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा यह भी रहा कि हमने एक ऐसे विज्ञान की बात की जो बाजार में बिक सकता हो। और यही कारण है कि पिछले 200 से 300 वर्षों में अगर पूरी दुनिया को टटोल लें तो जिस तरह से उद्योगों व उत्पादों की बाढ़ आई है, उससे साफ दिखता है कि विज्ञान का झुकाव किस तरफ ज़्यादा रहा। वहीं दूसरी तरफ दुनिया का बड़ा हिस्सा जो कि ग्रामीण है, वह आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है और इस बड़े हिस्से में खेती बाड़ी से लेकर रोजमर्रा के कार्यों में विज्ञान का प्रत्यक्ष जुड़ाव नहीं दिखाई देता। साफ है कि विज्ञान एक बड़ी भूमिका जो एक आम जन के लिए होनी चाहिए, उस पर वह आज भी खरा नहीं उतरता। तमाम खोज व आविष्कार करते हुए हमने कई लैंडमार्क खड़े किए, लेकिन आज भी दुनिया के कई हिस्से में लोगों को भरपेट भोजन नहीं मिलता, उनके पास रहने को घर नहीं और वे इस दुनिया के वंचित बदसूरत चेहरे मान लिए जाते हैं जिनके पास हर तरह का अभाव है। अगर विज्ञान की दिशा तय करने वाली महिलाएं होती तो निश्चित रूप से वे मुद्दे जो आज पिछड़ गए या गांव जिनकी आज विज्ञान में बहुत बड़ी गिनती नहीं दिखाई देती, वहां हालात ऐसे नहीं होते। करोड़ों लोगों के लिए अगर विज्ञान के रास्ते तैयार करने हों तो शायद सबसे बेहतर रोड मैप महिलाएँ ही बना सकेंगी, क्योंकि वे संवेदनशील होने के साथ साथ निरंतरता के पक्ष में रहती हैं। देश के गांव आज महिलाओं से ज़्यादा चलते हैं। वंशवश पुरुषों के गांव की महिलाओं और महिला विज्ञानियों को जोड़कर अगर हम नीत बनाएंगे तो शायद वंचित तबकों तक विज्ञान के लाभ पहुंचा पाएंगे। महिला और विज्ञान की इस थीम को अगर बेहतर तरीके से आगे बढ़ाना है तो महिला वैज्ञानिकों के साथ साथ गांव की महिलाएं जो आज भी सुविधाओं से वंचित हैं, उन्हें साथ जोड़कर देखना होगा, तभी हम विज्ञान को निष्पक्ष साबित कर पाएंगे। और साथियों, कहना यह है कि महिलाओं की भागीदारी हर क्षेत्र में बड़ी है और वैज्ञानिकता या विज्ञान के क्षेत्र में भी उसी अनुपात। चलते फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक चलिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।